सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाएं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आप मिस ना कर सके। हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली द नन फिल्म का टीजर आ गया है। वेल, इस टीजर को हेडफोन में देखने का अपना ही एक अलग मजा है। तो क्या नई चीज हमें इस टीजर में नजर आई है, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर ले इस फिल्म के डायरेक्टर की, तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया है कॉरिन हार्डी ने, जिनका अगला प्रोजेक्ट द क्रो फिल्म थी, लेकिन फिलहाल तो उन्होंने उस फिल्म से रिजाइन कर दिया है। तो देखते हैं फ्यूचर में वो कौन सा प्रोजेक्ट पिक करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस फिल्म के बाद उनका करियर काफी ज्यादा बदलने वाला है, क्योंकि इस फिल्म से वो ये साबित करने वाले हैं कि वो हॉरर फिल्म बनाने में कितने बेस्ट है। वेल, तो पहले मुझे लगा था कि इस फिल्म में हमें स्टेफनी भी नजर आएगी, लेकिन फिलहाल तो वो हमें टीजर में नजर नहीं आई है, लेकिन कहा यह गया है कि शायद वो द नन फिल्म में नजर नहीं आने वाली है। वेल, तो ये तो बात की बात है, हम बात कर लेते हैं इस टीजर के बारे में। तो जब कॉन्जरिंग 2 आई थी तो उस फिल्म में हमें ये डेमोन नन दिखाई गई थी, जिसके नाम के अलावा हमें कुछ भी नहीं पता चला था इस नन को लेकर। तो काफी लोग कंफ्यूज थे कॉन्जरिंग 2 मूवी देखने के बाद, लेकिन जब एनाबेल क्रिएशन आई तो उस फिल्म में लोगों को ये पता चल गया कि सच में द नन पर एक फिल्म बनने वाली है, यानी ये यूनिवर्स और भी बढ़ता जाएगा, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। तो अब नजर डालते हैं इसके टीजर के हर एक सीन पर कि हमें कौन कौन सी डिटेल नजर आ रही है इस छोटे से टीजर में। लेकिन टीजर सिर्फ 1.5 मिनट का है, जिसमें ज्यादातर तो डिटेल नजर नहीं आई है, लेकिन फिर भी फिल्म की कुछ प्लस पॉइंट नजर आते हैं, जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि फिल्म की स्टोरी क्या है और इस फिल्म में असल में चल क्या रहा है। तो सबसे पहले हमें दिखाई जाती है डेमोन नन की पेंटिंग, जिसे हमने इसके पहले कॉन्जरिंग 2 में भी देखा है, और जैसे ही लाइट बंद होती है तो हमें उस नन की आंखें चमकती हुई नजर आती है। एक बात और क्लियर कर दूं कि इस फिल्म की टाइमलाइन क्या है। वेल, तो ये फिल्म सबसे फर्स्ट हॉरर फिल्म है। कैसे? क्योंकि इस फिल्म की टाइमलाइन है 1952 की, यानी एनाबेल और कॉन्जरिंग से पहले जो सबसे पहली डेमोन थी वो थी वेलक, यानी द नन। तो हमें इस फिल्म में ज्यादातर तो कैसल और ग्रेवयार्ड से दिखाई जाएंगे। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर ने ये कंफर्म किया है कि इस फिल्म की शूटिंग ट्रांसिल्वेनिया में की गई है, यानी एक हिसाब से देखा जाए तो ड्रैकुला का होम टाउन जो रोमानिया में आता है, तो वहां पर ज्यादातर तो कैसल ही है, और जाहिर सी बात है इस फिल्म को रात में शूट किया गया है। तो इस फिल्म में प्रीस्ट का रोल करते हुए हमें नजर आने वाले हैं डेमन, जो एक मैक्सिकन एक्टर है, और विशियन नन का रोल करने वाली है टाइशा फिमेंगा। और अब बात करें इस फिल्म की स्टोरी के बारे में, तो मैं पहले आपको स्पॉइलर वार्निंग दे देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको फिल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी बताने वाला हूँ कि असल में इस फिल्म की स्टोरी क्या है। वेल, तो अगर देखा जाए इस सीन को, तो इस सीन को देखकर ये साफ होता है कि हमें ये पूरी फिल्म एबी चर्च में नजर आने वाली है, जहाँ पर वो लोग ये पता लगाएंगे कि असल में इस चर्च में क्या हुआ था। यानी ये पूरी फिल्म अच्छाई और बुराई के बीच है, यानी होली और अनहोली के बीच। तो इन सब चीजों को देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है सच में, और ये फिल्म हमें काफी डराने भी वाली है। और एक हिसाब से फिल्म के डायरेक्शन पर ध्यान दिया जाए तो ऐसा लगता है कि इस फिल्म के डायरेक्टर ने इस फिल्म को बनाया है इंस्पायर होकर एग्जॉर्सिस्ट और ड्रैकुला मूवी से, क्योंकि इस फिल्म के डायरेक्शन को देखकर कुछ ऐसा ही लग रहा है। वेल, तो आपको क्या लगता है इस फिल्म के डायरेक्टर कॉलिन हार्डी क्या कॉन्जरिंग के यूनिवर्स को कंटिन्यू रखने में कामयाब हो पाएगी या नहीं, इस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आपको द नन का टीजर कैसा लगा, और आपने जब ये टीजर हेडफोन लगाकर देखा है तो इस टीजर ने आपको डराया है या नहीं। और माफ करना, मैंने इस वीडियो में ज्यादा फिल्म के ट्रेलर को यूज नहीं किया है, क्योंकि आप सबको पता है कि कॉपीराइट के क्लेम आते हैं। वेल, तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय।